माई सर्विस ओनली हैदराबाद, ये वीडियो आप आखिर तक देखे होते हैं आपको ज़रूर ये काम आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सो फ्रेंड्स, अभी हम इस दीवार के ऊपर स्टुको करने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो दीवार है ना, इतनी बकवास हालत में ये दीवार है, ताकि यार यहाँ पर एक चौखट लगाया तो चौखट लगाते समय यहाँ जो दीवार है ना, वो दीवार से ऊपर आ जाए सीमेंट कर दिया, तो अभी हमको क्या ना इसको लेवल करना पड़ता है, इसके बाद में इसके ऊपर स्टुको काम हमको करना पड़ता है। अभी इस दीवार के ऊपर लेवलिंग काम चल रही है, अभी जाके मुझे स्टुको मटेरियल खरीदना है यार। अभी आपको पहले एक बात बता दूं, यहाँ पर देखिए ये जो दीवार है ना, हम इसको लेवल कर दिए, ताकि यहाँ पर क्या ना बहुत ऊपर थी, यहाँ पर चौखट आई तो यहाँ से दीवार के ऊपर आई, तो हम इसको अभी लेवल तो कर लिए। अभी इसके अंदर POP मिक्स करके फिलअप करेंगे, उसके बाद में इसके ऊपर हम अभी हम आपको बता दें ये दीवार के ऊपर कितना किलो स्टुको लगता है, हम आपको पूरे के पूरे बता देते। और अभी क्या कि ये जो दीवार के साइज है यार 14 फीट विड्थ है, मतलब 14 बोलते यहाँ से लेके यहाँ तक 14 है, और ऊपर का छोड़ देके ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक 14 फीट है, और हाइट का है कि 8 फीट है ठीक है, 14 फीट विड्थ 8 फीट हाइट है। तो इसके ऊपर कितना किलो स्टुको लगेगा हम आपको पूरे के पूरे इस वीडियो में बता देते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए पहले इसको अपन POP मिक्स करके पहले इसको भर देंगे, इसके बाद में इसके ऊपर पुट्टी भी करना पड़ता है, तो ये दोनों सूखेगा तब जाके अपने को स्टुको काम इस दीवार के ऊपर करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, हम तो POP मिक्स कर दिए, और यार POP फिलअप करने से पहले जहाँ अपने ऐसे गड्ढे बनते ना, वो गड्ढे में पहले पानी मारिए, ताकि अपना POP क्या ना अच्छी तरह अंदर से पकड़ मिले, और वो भी क्या ना अच्छी तरह फिलअप भी होता है। तो पहले जहाँ पे अपन चिपिंग करते हैं, वहाँ पर क्या ना पानी से पहले थोड़ा सा दो जैसा हल्का सा पानी मारिए, उसके बाद में POP लगा दीजिए। अगर अपने को POP लगाने की प्लेस है तो ऐसे करना पड़ता है, पुट्टी लगाने का तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगी। POP अगर अपने करना है तो यार जहाँ में अपन चिपिंग करते हैं वहाँ पर क्या ना पहले पानी मार के POP करना पड़ता है। अभी यहाँ पर हम पूरे के पूरे जितना एरिया पे हम चिपिंग करें उतना एरिया पे हम POP कर दिए। अभी इसी के ऊपर हम पुट्टी भी करेंगे, ताकि वो पुट्टी वीडियो आपको हम दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए कि ताकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये देखिए, यहाँ पर पूरे के पूरे सूख चुका है हमारा पुट्टी भी, और POP भी अच्छी तरह सूख चुका है। अभी इस दीवार के ऊपर हम स्टुको की क्या प्रोसेस है हम आपको पूरा बताएंगे। यहाँ पर देखिए, हमारा 2 किलो स्टुको है, और ये क्या कि ट्रैवल है, और ये स्क्रैपर है, और यहाँ पर और एक जोड़ा है, ताकि हमारा आर्यन इसके मेक कर सके। आपको हम ये जो हमारा स्टुको के कोड दिखा देंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखना, 7454 स्टुको है हमारा, 7454। यह 2 किलो है, 2 डब्बे है ठीक है, 2 किलो के 2 डब्बे है। और इसको फिल्टर करने के लिए अपने को एक लाइनिंग क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो है पूरा पतला रहता है ठीक है, ये जो लाइनिंग क्लॉथ। सो फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूँ, लाइनिंग क्लॉथ की कलर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ती, वाइट हो क्रीम हो ठीक है। अभी हम हमारा डब्बा खोलेंगे, और डब्बा खोल के आपको हम बता देंगे स्टुको मटेरियल क्वांटिटी कितने आता, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको बता रहे, ये जो स्टुको मटेरियल है यार, आधा आता डब्बे में, पूरे का पूरा भर के नहीं आता, जैसा अपना पेंट आता है ठीक है, आधा इस मटेरियल आता है। सो फ्रेंड्स, अभी इसको अपन मिक्स करेंगे, और इसके मिक्सिंग प्रोसेस आपको पूरे के पूरे बता देता हूँ। सेम मैंने 1 लीटर की डब्बा लिया हूँ, और ये जो है ना स्टुको हमारा 1 kg का है। तो दोस्तों, ये जो है ना स्टुको अपना क्या ना पूरे के पूरे डब्बा भर के नहीं आता, आधा ही छाता है ठीक है। क्यों बोलते हैं यार, अभी मैं यहाँ पर आपको पूरे के पूरे दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ना, ये जो स्टुको है ना, ये kg के हिसाब से आता है। यहाँ पर देखिए, नेट 1 kg नेट बोल के ठीक है, ये जो है ना 1 kg नेट है, मतलब ये वजन वाला है, तो उसमें आधा ही भरता है। ये जो है ना अपना रॉयल लग्जरी इमोशन है, या अपना पेंट है ना, ये जो पेंट क्या के कितना आता है आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ। ये देखिए, ये 900 ml आता, 900 ml, मतलब ये लिक्विड बेस्ड है, वो क्या कि इतना वेट रहता, ये क्या कि हल्का रहता ना, उसके लिए 900 ml आता स्टुको, क्या कि थोड़ा वेट रहता बोल के kg के हिसाब से आता, तो इसमें क्या ना आधा चाहता है। अभी अपन इसको फिल्टर करने के लिए पहले अपनी जो क्लाथ है ना, वो क्लाथ को पहले अपन अच्छा सा अपना जिस डब्बे में फिल्टर करना चाहते हैं उस डब्बे के ऊपर अच्छी सी ओढ़ना चाहिए। ओढ़ के ये जो मेटल है ना, ये जो मेटल मिक्स करने से पहले अपने क्या इसमें पानी मिक्स करना पड़ता है ठीक है। ये स्टुको में पानी मिलाने का हिसाब क्या आपको वो भी हम बता देंगे। ये जो स्टुको है ना, ये 100 ml, मतलब 100% समझ के पकड़ेंगे तो अपने को क्या इसमें 25% वाटर मिक्स करना पड़ता है ठीक है, फर्स्ट कोट में,
फर्स्ट अटैम्प में, और सेकंड अटैम्प में अपने को पानी मिक्स करना चाहे तो जो मेटल अपना बचा हुआ रहता है उसी में अपने को पानी मिक्स करना पड़ता है, फिर वही 25% या 20%, तब जाके पूरे का पूरा ये जो स्टुको बेस में सेकंड कोट अपन करते टाइम अपने को 50% वाटर होता है, मतलब 50% वाटर की मिक्सिंग करने की प्रोसेस ये है। अभी अपन ये पेस्ट में 25% मिक्स करके कर दिए, जो पेंट बचा है स्टुको पेस्ट जो बचा है फिर उसमें 50% मिक्स करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी 25% मिला है, एक कोट पूरा हो गया, दूसरा कोट में अपने को फिर 25% मिलाएंगे तो अपने को 50% होता है। तो स्टुको में पानी मिक्स करने का प्रोसेस ये है दोस्तों। अगर आपको कुछ और डाउट रहता है यार मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरे का पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। आप सोचते होंगे अपने को कहना स्टुको मेटल फिल्टर करना इतनी ज़रूरी है कि बिना फिल्टर करे अपन स्टुको मेटल अपन अप्लाई करेंगे तो क्या होएगा जब डिज़ाइन नहीं बनेगी बोल के, आप ये सोचते होंगे यार, मगर यहाँ पर आपको मैं पूरे के पूरा प्रूफ दिखा दूंगा क्यों फिल्टर करना पड़ता है मटेरियल अपने को। यहाँ पर आपको पूरे का पूरा प्रूफ मिलेगा, और बिना फिल्टर करे अपन स्टुको मेटल दीवार के ऊपर करते ना यार, तो अपने दीवार के ऊपर पूरे के पूरे लाइन्स आते और अपनी जो दीवार है ना आईना जैसा चमक नहीं आते है और स्मूथ भी नहीं आता। क्यों स्मूथ नहीं आता बोले तो यहाँ पर आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ, आप क्या ना गौर से देखिए पहले, ये जो मेटल फिल्टर करने से अपने को क्या ना इसमें कचरा जो है ना पूरे का पूरा कचरा ये कपड़े में ही आ जाता है, ठीक है। ये जो लाइनिंग क्लॉथ में छपने के पूरे का पूरा कचरा आ जाता है, ये कचरा क्या ना अपन फिल्टर नहीं करे तो अपना ट्रैवल को खराब करेगा, अपने जो ट्रैवल के ऊपर क्या ना लाइनिंग्स आते हैं और वही लाइनिंग्स अपने दीवार के ऊपर भी आते हैं, वहाँ पर क्या ना बफिंग नहीं हो पाएगी और क्या कि स्मूथ फिनिशिंग भी अच्छी तरह नहीं आ पाएगी और उसमें रिफ्लेक्ट भी नहीं होएगा, ठीक है। चलिए अभी अपन ट्रैवल देखेंगे, ये है हमारा स्टुको ट्रैवल, और ये जो ट्रैवल का है ना यहाँ पर और यहाँ पर क्या ना प्लास्टिक लगा हुआ रहता है, आप भी आपका ट्रैवल के काम खत्म होते कि फिर यहाँ पर क्या ना प्लास्टिक लगा दीजिए ताकि इसकी जो एजेस है ना अच्छी तरह काम कर सके। क्यों बोलो तो अपने को क्या ना बहुत आगे आगे काम आते रहता है अपन इसको जितने अच्छी तरह संभाल के रखेंगे तो, ठीक है दोस्तों। ये जो ट्रैवल के ऊपर ये स्क्रैपर से मेटल लेना पड़ता है, अभी मैं जैसे ले रहा हूँ आपको वैसे लेना पड़ता है अपने ट्रैवल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अभी ये जो मेटल क्या ना अपने दीवार के ऊपर कैसे चढ़ाना आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे अपन पुट्टी चढ़ाते ना बिरला पुट्टी दीवार के ऊपर कैसे चढ़ाता है, वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस करना पड़ता है अपने को ये स्टुको दीवार के ऊपर चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिए, अपने को क्या ना स्टुको क्या ना मोटा नहीं चढ़ाना, पतला चढ़ाना है। क्यों बोले तो यार अपन मोटा मेटल चढ़ा देंगे ना तो यार इसके ऊपर मेटल क्या ना क्रैक आके निकल जाता, मतलब क्रैक्स बन जाते मेटल सूखते टाइम, इसके लिए अपने को क्या ना मेटल पतला चढ़ाना पड़ता है पूरे के पूरे दीवार के ऊपर। होना बोल के मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं क्या ना यहाँ पर पूरे का पूरा वो क्या बोलते यार एक्सपीरियंस है मेरे को ये जो स्टुको काम करने में, तो मेरे को क्या ना ये जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ नहीं होना बोल के मैं आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा स्टुको मेटल पूरे के पूरे अच्छी तरह सूख चुका है, और इसको सूखने में हमारे को टाइम देना पड़ा 16 घंटे। हाँ दोस्तों, 16 घंटा टाइम देना पड़ा। क्यों बोलते यार हम ये क्या ना कल सुबह हमने मेटल चढ़ाया और रात के टाइम इसके ऊपर हम सेकंड कोट नहीं कर सकते, क्यों बोलते करंट गया तो यार पूरे का पूरा दीवार बीच में बिगड़ जाता है, तो इसके लिए हम पूरे के ऊपर रात भी नहीं चढ़ाया, फिर सुबह ही चाह गया, मतलब पूरे के ऊपर समझो आप हमने 24 घंटे छोड़ दिया आप, ठीक है। 24 घंटे के बाद हम आए इसके ऊपर स्टुको फाइनल करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी स्टुको फाइनल करने की भी एक तरीका होता है, हम आपको वो भी बता देंगे। सो यार ये जो मटेरियल है ना यार हम कल मिला उसे, मतलब हम कल दो डब्बे मिला लिए, हम आपको एक ही डब्बा दिखाए, सो इस इतना मेटल हमारा बचा है। तो अभी इसमें अपन पानी कितना मिलाएंगे तो यार अभी फिर हम इसमें पानी ऐड नहीं कर रहे, मतलब कल जो 25% है वही 25% पानी इसमें है, हम एक्स्ट्रा पानी इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इस तरह मेटेरियल ले लिया, अभी यहाँ पर हमारे को क्या ना पैचेस लगाना है। यहाँ पर देखिए हम पैचेस कैसे लगा रहे हैं, एक बार ऐसे घुमा दीजिए ओके ऐसे ओके, फिर बाद में और एक बार ऐसे लगा दीजिए, फिर बाद में ऐसे। और अब कैसे भी आपको दीवार के ऊपर पैचेस आप लगा सकते हैं अच्छी तरह, जो स्टुको के है ना पैचेस लगाने का कौन सा भी तरीका नहीं है, ठीक है। अपने मर्जी तरीके से अपन स्टुको के पैचेस कर सकते हैं सेकंड कोट की, ओके। यही तरीके में पैचेस लगाना, ये तरीके में पैचेस लगाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यार ये क्या ना मार्बल फिनिश आता है जो पत्थर कटे बाद में दिखता है। सो आपको क्या ना पैचेस आप कैसे भी कर सकते हैं। रही बात बफिंग करने की, ये जो ट्रैवल से भी बफिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या कि ये मशीन से बफिंग करने वाला हूँ, और यहाँ पर देखे मैं इतना सा एरिया लगा लिया कि अभी मैं मशीन से बफिंग कर दूंगा, ताकि क्या ना ये यहाँ पर फिनिशिंग मशीन से यार बहुत अच्छा आ रहा है यार, आप भी कोशिश करें मशीन से बफिंग करने के लिए।
शुरू करके मशीन को साफ भी करना पड़ता दोस्तों, ताकि अपनी बफिंग स्मूथ हो। यहाँ पर मशीन बिना साफ कर अपन बफिंग करेंगे नहीं तो यार दीवार खराब होती रहती है। तो आपने क्या ना 5 मिनट को एक बार मशीन को ऐसे अच्छी तरह साफ करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पूरी की पूरी दीवार कंप्लीटली हो चुकी है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा येलो कलर वाला दीवार दिख रहा है स्टुको में। यार ये जो स्टुको पूरे का पूरा मिरर फिनिशिंग जैसा दिखता है, मैं आपको कहना मैं खुद भी इसमें दिख रहा हूँ आपको, मैं वो नहीं बता सक रहा हूँ। क्यों बोलते हैं यार, मेरे क्या ना रिकॉर्डिंग मोबाइल से होती है तो क्या ना उतनी एच डी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। मोबाइल से करते करते क्या हम तंग आ जाते हैं। यहाँ पर क्या देखने हम खुद देखेंगे हमारे आँखों से यार, हम दिख रहे जैसा येलो कलर दीवार दिख रही है, येलो कलर दीवार साइड वॉल जैसे अपना दीवार में दिख रहा है वैसे हम भी दिख रहे हैं यार दीवार में। देखिए यहाँ पर देखिए पूरे अपना जो स्टुको सेकंड कोड की अपन जो पैचेस लगाते हैं ना, देखिए पैचेस पूरे के पूरे अपन क्या ना इवन नहीं लगाते, जैसे भी लगा सकते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट अपन कैसे भी पैचेस लगा देंगे ना, तो वो पैचेस यहाँ पर फिनिशिंग हो गया बाद में। देखिए कितनी सुंदर और खूबसूरत दिख रही है यार, मुझे तो अच्छी लग रही है यार। अगर आपको इस वीडियो में कुछ तो भी सीखने को मिला तो यार एक लाइक मार देना यार, बिना लाइक मारे मत जाओ यार। आप अच्छी तरह लाइक मारेंगे तो यार मुझे और अच्छी मज़ा आएगी वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। सो दोस्तों, आपकी राय क्या है, मतलब 2 किलो स्टुको में पूरे के पूरे दीवार कंप्लीट हो सकती है नहीं, आप हमारे को कमेंट करके बता दीजिए। हम तो सिर्फ 2 किलो स्टुको से हम इतनी बड़ी दीवार कर दिए। सो फ्रेंड्स, आप क्या बोलते हमको कमेंट में बता देना।